मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल वेस्टर्न ड्रेसेस। अब इनमें से कुछ आप पहले भी देख चुके होंगे, किसी हॉल वीडियो में नहीं लेकिन शायद दूसरे वीडियोस में। और बहुत बार ऐसा होता है कि फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि ये ड्रेस आपने कहाँ से ली, ये कहाँ से ली। तो मैंने सोचा कि ये ड्रेस कहाँ से वाली ली वाली टाइप की ड्रेसेस को ज़रा एक साथ कंबाइन किया जाए और उसे दिखाया जाए। तो सारी की सारी शायद आपने ना देखी हो, कुछ आपके लिए नई हो, बट मुझे ये बहुत पसंद है। हो सकता है कि आगे आने वाले व्लॉग्स या फिर किसी ट्रिप पर आपको दिख सकता है कि इनमें से मैंने कोई ड्रेस पहनी हुई है, तो वो आपको यहाँ पर इस हॉल में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली है ये ब्लैक कलर की स्केटर ड्रेस, ए लाइन वाली ये ड्रेस है। अच्छा खासा मोटा इसका फैब्रिक है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी है। 3/4 स्लीव्स हैं, फ्रंट में वी नेक है और बैक में है इसकी जिप दी गई है। इस वजह से काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग आती है। एंड फ्रंट में जो इसका कट है वो भी प्रिंसेस कट टाइप का है, तो इस वजह से भी इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बहुत प्रिटी है, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन इसे पहना था रात को जब हम बाहर गए थे। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ब्लैक कलर मैंने इसमें लिया है, बट इसमें मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन दो ये सिंपल सी है दिखने में, पर इसे पहनने के बाद आपको खुद को फील होगा कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और जिन्होंने भी देखा उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये ड्रेस कहाँ से है, तो इसलिए मैंने आज इसे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है ये ड्रेस, ये फैब एली ब्रांड से है। बहुत ही अच्छा इसका कलर है, थोड़ा सा ब्राउन एंड पीच के बीच का ये शेड है। इसमें ऊपर की तरफ सीक्वन लगे हुए हैं और जॉर्जेट का कपड़ा है पूरा का पूरा। एंड यहाँ पे प्लीट्स दी गई है। फुल लेंथ की ये ड्रेस है, इसमें भी साइड में जिप दी गई है ताकि सही से इसकी फिटिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है, मतलब इसमें काफ़ी डिफरेंट शेड्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। नेवी ब्लू है और आई थिंक और भी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी बहुत प्रिटी है, मतलब अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कोई ऐसा ओकेजन है जहाँ आपको एक डिसेंट सा लेकिन अच्छा सा वन पीस ड्रेस पहनना है, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ऊपर इसके ये कपड़ा है जॉर्जेट का और अंदर इसके अस्तर दिया गया है, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है जॉर्जेट का काफ़ी पतला होता है, तो अस्तर की वजह से इसका काफ़ी अच्छा कवरेज है। तो ये भी एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, थोड़े से सिंपल में एंड ज़्यादा लेंथ वाली ड्रेसेस में। नेक्स्ट है ये येलो कलर की क्यूट सी शॉर्ट ड्रेस, जॉर्जेट मटेरियल की है। अच्छी खासी लाइनिंग है इसमें नीचे भी और ऊपर की तरफ भी, और क्लोज नेक है। बैक में अच्छी खासी लंबी जिप दी गई है जिस वजह से इसे पहनने में आसानी होती है और ये फिटिंग में आ जाती है। वेस्ट पे इसके स्ट्रैप दिया गया है और ये भी फैब एली ब्रांड से है। आपने मुझे इसे पहने हुए देखा होगा जो कूर्ग वाला व्लॉग है, मतलब कूर्ग ट्रिप का व्लॉग है, उसमें से एक में दो पार्ट्स मैंने पोस्ट किए हुए हैं, उनमें से एक में मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऐसे प्रिटी सा है, मतलब फ्रॉक स्टाइल है एंड थोड़ा सा डिफरेंट है। येलो कलर है और कपड़ों में मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है ड्रेस। इसकी स्लीव जो है इसमें इलास्टिक दिया गया है एंड पर दोनों साइड में, और नेक में भी यहाँ पर इलास्टिक दिया गया है, और बॉटम में यहाँ पर एक फ्रिल दी गई है। सो सिंपल क्यूट एंड प्रिटी ये ड्रेस है।
नेक्स्ट है ये ब्राइट ग्रीन एंड वाइट स्ट्राइप वाली ड्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। स्ट्रैप्स है इसमें ऊपर कंधे पर दिए गए और जो एडजस्टेबल है। इसका मटेरियल रेयन है, वेस्ट में यहाँ पर इलास्टिक दिया गया है। कपड़ा अच्छा मोटा है लेकिन रेयन में एक हल्की सी ट्रांसपेरेंसी होती है और इसमें भी वैसा है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ नीचे पहनना पड़ेगा अंदर और ऊपर भी, क्योंकि ऊपर यूजुअली क्या होता है नीचे हाफ और ऊपर की तरफ अंदर लाइनिंग दी गई होती है ड्रेसेस में, इसमें वो नहीं है तो आपको अलग से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है। अगर ट्रिप्स पर आप जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, वहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। मतलब इतना अच्छा ब्राइट कलर है कि फोटोज भी बड़ी सुंदर आई ये ड्रेस पहनकर। नेक्स्ट है ये रेड कलर की पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस। इसकी स्लीव्स बहुत ही प्रिटी है, यहाँ पर प्लीट्स है, इलास्टिक भी है और यहाँ पर भी इलास्टिक है। फ्रंट में जो ये पोर्शन है ये ओवरलैप हो जाता है एंड साइड में इसके जिप भी दी गई है बेटर फिटिंग के लिए। थोड़ी शॉर्ट है ये लेंथ में, तो डिपेंडिंग ऑन हाइट आपको शायद, मतलब आप में से किसी को ये शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि मुझ पर ही ऐसा लग रहा है कि इसकी लेंथ शॉर्ट है, मतलब इट्स अ शॉर्ट ड्रेस मैं कहूँगी। इसमें भी कोई लाइनिंग नहीं दी गई है बट कलर की वजह से कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट होने का प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। बट डेफिनेटली आपको इसके अंदर कोई टाइट्स या फिर इस तरह के स्लैक्स पहनने पड़ेंगे अगर आप ये ड्रेस पहनते हैं। तो बहुत सारे आपने मेरे वीडियोस में अमेज़ॉन के लाइव में मुझे ये पहने हुए देखा होगा। सो फाइनली मैं आपको ये ड्रेस दिखा रही हूँ, काफ़ी लोगों ने पूछा था, सो इट्स हियर। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये प्रिटी ड्रेस, स्ट्रेचेबल इसका मटेरियल है एंड ये जो है थोड़ी सी फिटिंग वाली ड्रेस है। बलून टाइप की स्लीव्स है और बैक में ये प्लेन है, पूरी फिटिंग में आती है, लेकिन फ्रंट में इसके डिज़ाइन दी गई है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई ये ड्रेस, ऐसा मुझे लगता है कि पीछे भी अगर ये डिज़ाइन होती तो भी काफ़ी अच्छा लगता, बट एनीवे फ्रंट में है, इट्स नाइस। इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा थिक है पर समर्स में इसमें गर्मी हो सकती है, इवन तो इसकी लेंथ कम है बट कपड़े से गर्मी हो सकती है। बट इट्स अ वेरी नाइस क्यूट ड्रेस ट्रिप्स पर, पिकनिक्स पर या फिर डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जा रहे हैं, ओकेजन एंड जगह लोगों के हिसाब से आप इस ड्रेस को पहन सकते हैं। तो ये भी एक ड्रेस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर ये थोड़ी शॉर्ट टाइप में है। इन सभी ड्रेसेस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसके अलावा भी एक दो टॉप्स हैं या ड्रेसेस हैं जिनके बारे में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है वीडियो में, बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं इसलिए मैं उन्हें अब इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी। कभी कुछ सिमिलर दिखा तो डेफिनेटली वीडियोज़ में इंक्लूड करूंगी। वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।